नज़र रखते हुए आपने फिर स्वरूप को गाना ये डेडिकेट किया है, दिया? बेसिकली ये थॉट था इसके पीछे कि स्वरूप बहुत वर्सेटाइल सिंगर है, मतलब हर किस्म का गाना वो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है. तो मराठी में एक सुपर रोमांटिक सॉन्ग करना था क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, लोगों को बहुत अपील करती है. तो एक दिल को छूने वाला रोमांटिक नंबर करना था जिसमें कोई भी सुने तो वो उसमें डूब जाए, क्योंकि यूथ आजकल बेसिकली इसमें हिंदी भी यूज़ किया है, उर्दू वर्ड है आफरीन, तो उस वर्ड को लेके गाना डेवलप किया है. आफरीन एज यू नो इट्स बहुत खूबसूरत, तो खूबसूरती की बात की है, मेलोडी की बात है, प्यार की बात है, और स्वरूप तो है ही, सो ही सिंबलाइजेस लव फॉर मी एट लीस्ट. सो काफ़ी बड़ा मैसेज आया थी भाषा में. हाँ जी हाँ, बट काफ़ी फ्लो में आता है, तो ऐसा कुछ ऑड नहीं है कि बीच में से कुछ आ गया, ऐसा नहीं है, बहुत फ्लो में है. मराठी है, थोड़ा सा हिंदी है और उर्दू है. अच्छा, ये थॉट आया कब दिमाग में, कब ये थॉट घूमा के आ लाओ? आफरीन ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत टाइम से कुछ लिखना था इस वर्ड को लेके. मराठी में ये कभी यूज़ नहीं हुआ है, सो इट्स अ फ्रेश कम्प्लीटली न्यू वर्ड फॉर मराठी, सो दैट्स गोना बी न्यू उसी लाइंस पे. किस किस तरह के शेर रहेंगे और कितना मूड रहेगा गाने का? शेर बेसिकली मतलब उर्दू, बहुत उर्दू उर्दू टाइप का नहीं है, सोलफुल मराठी सॉन्ग है, तो एक ही वर्ड है और प्यार है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग को लोड नहीं है. कोई भी गुनगुना सकता है, हर एक इंसान गा सकता है, गिटार लेके कोई किसी को डेडिकेट कर सकता है, उतना सिंपल सॉन्ग है. दो लाइनें आप बता दीजिए. मराठी लाइन है, सुंदरशा स्वप्नातले शिल्प तू रेशमी, तो मतलब मैं बताती हूँ कि ख्वाब में जब कोई मूर्ति आती है किसी की, तो वो इतनी रेशमी है जिसका मैं तुमसे रिलेट कर रहा हूँ. मतलब कोई लड़का किसी को प्यार करता है तो उसे हर चीज़ उस लड़की में सब सुंदर ही दिखता है, तो उस टाइप का सॉन्ग है. सांझे चा बागेतली गंधा तू तंत, शाम के जो बाग है मतलब बगीचा है शाम को, उसकी जो चांदनी है तो वो उसमें से भी खुशबू आ रही है, तो उस टाइप की तुम हो. सो देखा नहीं कोई तुमसे हंसी, तू ही इश्क तू ही आशिकी और तू ही आफरी, तो ऐसा सॉन्ग. थैंक यू. हाँ, हिट है कि नहीं बताओ भाई? वो सुपर हिट है सर. Johnny.